आज मैं आपको बनाना सिखा रही बहुत ही मज़ेदार किस्म की मटन हांडी। चले आए शुरू करते हैं, कैसे बनती है। अस्सलामुअलैकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म का मटन हांडी बनाने वाली, बहुत ही टेस्टी और यमी। चले आए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले आधा किलो के करीब मटन का गोश्त था, ये मटन का गोश्त ले लिया था। इसको मैंने 2 गिलास पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया था। मटन की यखनी है ये 1 गिलास रह गई है और मटन का गोश्त रह गया है, अच्छे तरीके से गल चुका है। 2 अदद प्याज लिए हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से लाल कर लिया हुआ है। ये देखिए इस तरह से कड़क सा प्याज हो गया है। 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 2 टीस्पून मैंने कुटा हुआ लहसुन ले लिया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 कप मैंने दही का ले लिया, तकरीबन ये 4 टीस्पून दही है, 2 अदद टमाटर लिए हैं, धनिया कुटा हुआ ले लिया 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा है। बहुत ही मज़ेदार किस्म का मटन आज हम हांडी के अंदर बनाने वाले हैं। चले आए शुरू करते हैं कैसे बनता है। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले, जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास आए। बहुत शुक्रिया। हांडी के अंदर आज हम मटन बना रहे हैं, तो हांडी ले लिए मैंने, इसके अंदर 1 कप ऑयल का डाल दिया है। आप घी डाल दें चाहे ऑयल डाल दें। इसके अंदर जाएगा सबसे पहले लहसुन कुटा हुआ, इसको मिक्स करेंगे। लहसुन जो है हल्का सा कलर आ गया लहसुन का, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसके साथ जाएगा जीरा और कुटा हुआ धनिया। ये हांडी बनाएंगे आप मटन में, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी, आप दूसरा सालन बनाना भूल जाएंगे। ये देखिए टमाटर है, ये भी डाल दिए मैंने। टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। टमाटर और लहसुन अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, इसमें अब जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा मटन यखनी के साथ। ये देखिए मटन को हमने डाल दिया यखनी के साथ और इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए और इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए, हम ढक देंगे। प्याज जो हमने किया है इसको हम थोड़ा थोड़ा सा कूट लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए बिस्मिल्लाह, देखिए मटन बहुत अच्छे तरीके से पकने लग गया है। ये प्याज हमने किया था ये भी हम डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। और इसके अंदर चला जाएगा दही, दही जो हमने 4 टीस्पून रखा था ये भी चला गया। इसको करेंगे मिक्स। बहुत ही नाइस कलर और बहुत ही मज़ेदार किस्म की। 5 से 10 मिनट तक हम इसको अभी पकाएंगे। इसमें चला गया नमक 1/2 टीस्पून। ये देखिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार मटन हमारा तैयार हो गया है हांडी मटन के लिए। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार तैयार है। अब इसमें जाएंगी हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। देखिए हरी मिर्चें चली गई, इसमें बारीक कटा हुआ अदरक चला जाएगा। अब रेडी हो गए मटन हांडी हमारी, अब इसको डिश आउट करते हैं। मज़ेदार किस्म की मटन हांडी हमारी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम।